भारतीय क्रिकेट में हार्दिक पांड्या की जितनी आलोचना हुई है उतनी शायद ही पहले किसी खिलाड़ी की हुई होगी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या ने अपने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के आधार पर सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। हार्दिक पांड्या की आलोचना के पीछे की वजह आप सभी को पता ही है, चाहे वो IPL में रोहित शर्मा की कप्तानी छीनने का मैटर हो या फिर कोई अन्य वजह हो। लेकिन अब आज के इस वीडियो में मैं आपको हार्दिक पांड्या के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए किए गए संघर्ष की कहानी बताता हूँ, जिसको सुनकर अगर आप भी हार्दिक पांड्या के फैन नहीं है तो आज हार्दिक पांड्या के फैन हो जाओगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें तो हार्दिक पांड्या ने भले ही मुंबई की टीम के साथ गद्दारी की हो, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज तक टीम इंडिया के साथ अपनी पूरी वफादारी निभाई है और हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में हमेशा टीम के लिए अहम रोल निभाया है। वीडियो में अगर शुरुआत से आपको बताऊं तो हार्दिक पांड्या ने T20 में 2016 में डेब्यू किया और 2016 में T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने खेला। हार्दिक पांड्या को डेब्यू करने के बाद में 2016 के T20 वर्ल्ड कप में मौका दिया गया और हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में अपना नाम कमा लिया। इंडिया और बांग्लादेश का मैच तो सभी को याद है। यह मैच टीम इंडिया के लिए एक नॉकआउट सा मैच था, जिसको हारते ही टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। इस मैच के अंतिम ओवर में जहां बांग्लादेश को जीत के लिए 6 बॉलों में 11 रन चाहिए थे, तो MS धोनी ने यह ओवर हार्दिक पांड्या के हाथ में थमाया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की पहले 2 बॉलों पे 2 चौके खा लिए, लेकिन इसके बाद आगे आने वाले 4 बॉलों में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 रन दिया और हार्दिक पांड्या के दम पर ही टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इसके बाद आगे बात करें 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के बारे में। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी शायद सभी को याद होगी, जिसमें हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही आक्रामक पारी खेली। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में जहां पाकिस्तान ने इंडिया के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन टीम इंडिया के सारे विकेट तहस नहस हो गए। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने आकर 43 बॉल में 6 रन की बहुत ही खतरनाक पारी खेली और टीम इंडिया को जीत तरफ लेके जाने लगे। लेकिन जडेजा की गलती के चलते हार्दिक पांड्या रन आउट का शिकार हो गए और यह मैच टीम इंडिया अपने हाथ से हार गई। लेकिन इस मैच में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने अपना दमखम दिखाया था। इसके बाद आगे बात करें 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में, तो 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया की टीम न्यूजीलैंड के हाथों हार गई। लेकिन इस मैच में जडेजा और धोनी की जितनी अहम भूमिका रही उतनी ही हार्दिक पांड्या की रही। हार्दिक पांड्या ने भी टीम को जिताने की बहुत ही कोशिश की और हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 32 रन की पारी खेली। इसके बाद आगे 2021 के वर्ल्ड कप की बात करें तो 2021 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए बहुत ही बुरा गया और इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन इससे आगे 2022 का वर्ल्ड कप सभी को याद ही होगा, जिसमें टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से बाहर हो गई। लेकिन इस मैच की हाईलाइट को भी अगर आप एक बार याद करें तो आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में सिर्फ हार्दिक पांड्या ही कमाल की पारी खेल पाए थे। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने अकेले 33 बॉलों में 63 रन की धमाकेदार पारी खेली थी और हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हार्दिक पांड्या बड़े मैचों के प्लेयर हैं। लेकिन यहाँ भी अकेले हार्दिक पांड्या की यह पारी काम न आ सकी और टीम इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो गई। इससे आगे 2023 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या चोट की वजह से बाहर हो गए, लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से अपनी वापसी की है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को बैटिंग में इतना ज्यादा मौका नहीं मिल सका, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी बॉलिंग से कहर जमाया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने मैच को इंडिया की ओर मोड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले हेनरी क्लासन का विकेट निकाला, जो कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। अगर हेनरी क्लासन का विकेट नहीं निकलता तो हेनरी क्लासन इस मैच को 2 ओवर पहले जीत जाते। और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 20 ओवर में डेविड मिलर का भी विकेट निकाला और यह विकेट दिलाने में सूर्य कुमार यादव की भी बहुत ही बड़ी भूमिका रही। तो हार्दिक पांड्या के बारे में अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या ने IPL में मुंबई के साथ क्या किया है उस बात को अगर छोड़ दें तो हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के लिए अपनी पूरी वफादारी निभाई है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी आप सभी को विराट कोहली की पारी जरूर याद है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह विराट कोहली ने मैच जिताया, लेकिन अब भी आप शायद भूल रहे हैं कि उस मैच में भी विराट कोहली का साथ हार्दिक पांड्या ने दिया था और उस मैच में भी हार्दिक पांड्या ने 40 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी। तो हार्दिक पांड्या भले ही मुंबई की टीम के लिए छपरी हो सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने हमेशा मुश्किल समय में आके टीम को उभारा है। तो अगर आप भी हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हार्दिक पांड्या का नाम जरूर लिख के जाएं और सबको यह बताना जरूरी है कि हार्दिक पांड्या एक छपरी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक सुपरस्टार है, जो कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के बहुत ही काम आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।